बने भाई, अगर तुम कहो तो इसका रिश्ता करवा दूं मैं। एक बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे हाथ में। अरे इसके पास रखा क्या है जो ये शादी करेगा? 4 साल पहले आया था मेरे पास पंजाब से, जब से यहीं पड़ा है। कभी इसकी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। ऐसा भी नहीं है बन्ने भाई, अच्छा खासा कमाता होगा, हट्टा कट्टा तो है ये। अरे तुम कहाँ इसकी दिहाड़ी के चक्कर में लग गई, कुछ नहीं है इसके पास, तुम्हारी फीस तक तो दे नहीं सकता ये। है तो अच्छा है, फिर दफा करो इसे। अब जरा जल्दी से मेरी किस्मत का फैसला भी सुना, क्या कहा लड़की वालों ने? बन्ने भाई, लड़की वालों ने 2 शर्तें रखी हैं। 2 शर्तें? पहली शर्त तो ये रखी है कि हक मेहर जो होगा ना 2.25 लाख रुपया होगा, वो भी शादी से पहले। भाई अगर हक मेहर गैर मुअज्जल हो जाए तो अच्छा होगा। बन्ने भाई, पैसों का तो बंदोबस्त करना पड़ेगा आपको, वरना इस लड़की से भी हाथ धो बैठोगे हाथ। नहीं नहीं भाई नहीं, और तुम बन्ने भाई को इतना हल्का मत लो। दूसरी शर्त बताओ क्या है? अरे बन्ने भाई, दूसरी शर्त ये है कि वो तारा को अपने साथ नहीं रखेगी। अरे उसका कोई मसला नहीं, मैं कोई ना कोई ठिकाना कर दूंगा उसका। अच्छा तो निकालो मेरी दिहाड़ी ताकि मैं जाऊं तुम्हारी दिन तारीख पक्की करा के आऊं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये रखो। ये क्या है? 5,000 में बात हुई थी बन्ने भाई, पूरे 5,000 में। अरे भाई रखो तो सही, खर्चे के लिए दिए हैं, आने जाने में खर्चा तो होता है ना, तुम्हारी फीस अपनी जगह पे खड़ी है। तो बन्ने भाई मैं जाती हूँ और दिन तारीख पक्की करके आऊंगी, खुशखबरी लेकर आऊंगी मैं आपके पास। मिठाई खिलाऊंगा तुम्हें। है ठीक है। वो घर पे रहेंगे? मुझे मालूम है, जब भी तो आया हूँ मैं। तुम उसी वक्त क्यों आते हो जब वो घर पे नहीं होते? आप इतना गुस्सा मत किया करें, मैं ना आपको बहुत पसंद करता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। लड्डू वो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। एडमिशन? तेरी अम्मा खजाना छोड़ के मरी थी ना? वो मेरा चेक है ना 25,000 का, जो मुझे A1 ग्रेड से पास होने पे मिला था मैट्रिक बोर्ड से। अच्छा तो तू अब मुझसे हिसाब मांगे? इतनी सी थी तू, इतनी सी जब अपनी अम्मा के जहेज में आई थी। लड्डू कहाँ से है? मैंने बनाए पास होने की खुशी में। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तूने मेरे कुर्ते से चुराए ना? नहीं नहीं, मिस रक्षंदा ने दिए थे मुझे नाम 500 रुपए। ये तू क्या मिस का पहाड़ा पड़ती रहती है, जब देखो मिस 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 ना हुई अदाब हो गई, उसी ने तेरा दिमाग खराब किया। ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और वो अम्मा की पुरानी दोस्त भी हैं। बकवास बंद कर और दफा हो यहाँ से, चल। We'll be right back.
क्या हो गया उस्ताद, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। हाँ यार, बस क्या बताऊं तुझे, परेशानियों ने घेर लिया चारों तरफ। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ उस्ताद। अबे तू क्या करेगा, तेरे पास है क्या? क्या पता उस्ताद, बात बन जाए, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। यार तुझे तो पता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, 5 लाख का खर्चा है। और यही 5 लाख का इंतजाम अगर मैं कर दूं तो? अबे तू कहां से करेगा? मेरे बाप ने जो है ना गांव में बहुत बड़ी जमीन मुझे दी हुई है, उसका खाली सौदा करना और थक करके पैसे आ जाने, कम से कम भी 50-60 लाख रुपए की जगह है वो। अब्बा कोई आए? कौन आया? 1000 बार तुझे बोला है कि नाम पूछ लिया कर। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद। उस्ताद होटल पे खाना खाया था, सोचा चाय आपके साथ पी लेता हूँ और एक जरूरी बात भी करनी थी। चलो अच्छा अंदर आ। क्या बात कर रही है, बोल। उस्ताद वो समझो कि आपका मसला हल हो गया, आप करो धूमधाम से शादी, मैं दूंगा आपको पूरे 5 लाख रुपए शादी के लिए। अबे तू कहां से देगा? अरे उस्ताद गांव में मेरी जमीन थी जो मैंने फोन पर बेच दिए, पूरे 40 लाख रुपए मिले मुझे। 40 लाख? अबे ये बता के तुझे पैसे कब मिलेंगे? पैसे तो जाते ही मिल जाएंगे, बस आने जाने के किराए का करना। बस तो फिर तू ऐसा करके कल सुबह 10 बजे वाली बस पकड़ ले, खर्चे वर्चे की फिक्र नहीं करना, मैं दूंगा। चाय पी। बस उस्ताद मेरी एक शर्त है। अच्छा, अब तू अपने उस्ताद से शर्तें रखेगा, बोल क्या शर्त है तेरी? नहीं उस्ताद शर्त नहीं, यूं समझो एक बात है, मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ तो आप मेरी शादी तारा से करवा दे। क्या? क्या बोला? अबे वाह मुराद वाह, क्या शर्त रखी है तूने। अबे तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, तेरे जैसा खूबसूरत दामाद कहाँ मिलेगा मुझे, बस यूँ समझ ले रिश्ता पक्का। ठीक है उस्ताद, फिर आप अपनी शादी की तैयारियां करें। अबे तू मुझे 5 लाख रुपए दे और अपनी शादी की तैयारी शुरू कर। ठीक है उस्ताद, बस तैयारियां ही तैयारियां। चलता हूँ उस्ताद। हाँ निकल। वाह भाई वाह, बैठे बिठाए दामाद मिल गया, वो भी 5 लाख रुपए दे। बुखार है के उतरने का नाम तक नहीं ले रहा।
जी। अब वो कब आएंगे? बस आने वाले होंगे। ये लो, तुम्हारे अब्बू भी आ गए। कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? अब्बू ये क्या है? ये तुम बताओ क्या हो सकता है? वही जो मैंने कहा था। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। दवाई खिलाई से? नहीं, मेरे हाथ से तो नहीं पी रही है। अरे बेटा, दवाई नहीं पियोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी तुम्हारी? अब देखना। अरे बेटा, इसको बाद में खोल लेना। वो बेटा पहले दवाई खा लो, तुम्हारा बुखार अभी उतरा नहीं है सही से। मेरा बच्चा, चलो मेरा बच्चा, खा लो खा लो बेटे, दवाई खा लो, तुम्हारे अब्बू के हाथ में बहुत शफा है। चलो चलो दवाई खा लो, ये लो पानी दो भाई। चलो चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा दवाई ऐसी ही होती है ना, दवाई नहीं खाओगे तो कैसे तुम्हारी तबीयत ठीक होगी? तो स्कूल की भी छुट्टियां हो गई, कोई एप्लीकेशन दिया आपने स्कूल में? हाँ, मैंने कल भिजवा दी थी। ओहो, तो महारानी साहिबा यहाँ आराम फरमा रही है। रोटी क्यों नहीं पकाई तूने? जाके रोटी पका, भूख लगी है मुझे। मुझे बहुत इस बुखार है। ज्यादा ड्रामे मत कर, कुछ नहीं हुआ तुझे। ये स्वेटर उतारो, जाके रोटी पका, काम चोर कहीं के। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र है। मुझे एक शेरवानी सिलवानी, बड़ी बेहतरीन सी। सिल जाएगी? तो नाप ले लो मेरा। ठीक है भैया। हाँ,
आप जरा सही से लेना, फिट आए मुझे बिल्कुल। नहीं इंशाल्लाह सही होगा। शादी के लिए सिलवा रहा हूँ मैं। बेफिक्र हो जाए सर, बस ऐसे ही बना देना कि लोग देख के बोले भाई लड़का तो बड़ा ज़बरदस्त है। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर आपको पसंद आएगा। अच्छा ये कितने दिन में दे दोगे? आपको कब चाहिए? मुझे इतनी जल्दी नहीं है, एक हफ्ते में दे दो। अच्छा ये एक हफ्ते में हो जाएगा, परेशान ना हो। तुम फिकर नहीं करो यार, हमारा काम हो गया है, अभी हम बैग भर के पैसा लेकर आ रहे हैं। हाँ, वो इस जगह पे पहुंचेगा, उस जगह पे। हाँ, आओ कन, आओ कन। ठीक, ठीक है, ठीक। हाँ, अभी रखते हैं। भाई तेरा टिकट संभाल के जेब में रखना। जी उस्ताद। उस्ताद एक मिनट में बैलेंस डलवा के आ जा। चल जा, आ जा जल्दी, आ जा। लिया उस्ताद बैलेंस। उस्ताद एक मिनट और रुक जाओ, सिर्फ मैं वॉशरूम से होके आ जाऊं। मैं सारे काम एक दफा कर ले रहा, बार बार क्यों जा रहा है? अरे गाड़ी दो घंटे के सफर पर चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। मैं सिर्फ एक मिनट में वॉशरूम से होकर आया। जा जल्दी होगा। सक्कर मोरो कंडियारो, सक्कर मोरो कंडियारो, सक्कर मोरो कंडियारो। तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद पता नहीं तुम्हारे नाना को क्या सूझी, जो तुम्हारी अम्मी का निकाह इस निकम्मे से करा दिया जो अभी तक तुम्हारी अम्मी की पेंशन पे पल रहा है। मगर मिस मैं क्या करूं, मैं अभी छोटी हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, ये जुल्म हम तुम पे होने नहीं देंगे, पूरा मोहल्ला तुम्हारे साथ है। ये तुम क्या पट्टी पढ़ाती रहती हो रफ्ते से? पट्टी तो आपकी आंखों पे पड़ी है बन्ने भाई। क्या मेरी आंखों पे? कौन सी पट्टी बंधी है मेरी आंखों पे? खबरदार, जो आपने कोई भी जोर जबरदस्ती की तारा के साथ, मैं आपको बंद करवा दूंगी। आपको पता है मेरा शौहर वकील है। क्यों,
किस जुर्म में? तुम्हारी बकरी चुराई है मैंने क्या? क्यों, आपको नहीं पता कि एक 15 साल की बच्ची का निकाह करवाना कितना बड़ा जुर्म है? मेरे मामलात में टांग अड़ाने वाली तुम होती कौन हो? मेरी मर्जी है, जो दिल चाहे करूं। कुछ करके तो देखें आप। तारा को अकेला मत समझिएगा, एक मिनट में पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। जान लूं मैं जाए तुम और तुम्हारा पूरा मोहल्ला। बात सुने बन्ने भाई, इस घर पे कब्जे का ख्वाब देखिएगा भी नहीं। ये तारा के मरहूम वालिद का घर है और इस पे तारा का हक है। घर पे कब्जा करेगा, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं आती जाती रहूंगी। अच्छा, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस मिस की बच्ची को भी अभी बीच में आना था फुदक के, बना बनाया काम बिगाड़ दिया मेरा। तारा के बगैर मुराद 5 लाख रुपए नहीं देगा। बन्ने मियां, तेरी शादी तो लटक गई। नहीं नहीं, ऐसे कैसे लटक गई, शादी तो मैं करके रहूंगा। हाँ काम जरा ढंग से किया कर और सुबह टाइम पे आना, रोजाना लेट होता है तू। ये ले दिहाड़ी, चल जा। तू वहां कोने में क्या कर रहा है बे? चल उठ के बजरी छान। काम चोर कहीं क्या? हाँ बजरी छान, माल बनाना है। ओए तू, ये ना बने उस्ताद थल्ले वाला। हाँ भाई मैं ही हूँ। चल थाने, तुझे साहब ने बुलाया है। आपने बोला ले भाई बनने, उस मिस की बच्ची ने शिकायत कर दी थाने में तेरी। इज्जत रास नहीं आ रही क्या तुझे? चला। मुराद ये क्या हो गया? मुराद, मेरा मुराद मुझे छोड़ के चला गया। किसने मारा मेरे मुराद को? आहा।
मुराद बहुत अच्छा लड़का था साहब, चार साल से मेरे साथ थल्ले पे रह रहा था। मगरिब के वक्त लाश मिली उसकी तुम्हारे थल्ले के वीराने से, किसी ने गले में फंदा डालकर मारा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा साहब, पता नहीं ये कैसे हो गया। कल सुबह 10 बजे मैं खुद उसे बस में बिठा के आया था पंजाब जाने के लिए। इस हिसाब से तो उसे इस वक्त पंजाब या फिर पंजाब के आसपास होना चाहिए था, फिर उसकी लाश यहाँ कैसे? पता नहीं साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दुश्मनों ने उसे मार दिया। मुराद ने मुझे बताया था कि उसके दुश्मन उसे मारने के लिए ढूंढ रहे। दुश्मन? कौन दुश्मन? ये उसने नहीं बताया साहब। हाँ बोले, क्या खबर है? गुड, ठीक है, तुम एक काम करो, उस पर नजर रखो, बस हम पहुंच रहे हैं। मोबाइल निकालो, हमें निकलना है। ओके सर। कहाँ पे जाऊं? मुराद के घर वालों को इतना देनी है और उसके कफन दफन का इंतजार नहीं करता। अबे कफन दफन तो पोस्टमार्टम के बाद ही होगा, समझा? लॉकअप करे से। साहब मुझे क्यों बंद करे साहब? साहब मैंने क्या किया साहब? रोना रोना बंद कर। मिस, पुलिस ने इन्हें क्यों पकड़ा है? पुलिस ने क्या पकड़ा है, उसकी तो अब अल्लाह क्या पकड़ हो गई है। अब मैं अकेली कैसे रहूंगी? बेटा, जीने के लिए हौसले की जरूरत होती है और तुम्हें हौसला नहीं हारना चाहिए। और वैसे भी अब तुम अकेली थोड़ी हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, है ना? हमको इधर क्यों लेकर आया है? क्या किया हम? जुर्म किया हमारा? बढ़िया कड़े भाई तेरे अंदर। है कौन तू? नाम क्या है तेरा? चल शनाख्ती कार्ड निकाल। चल। हमारा नाम केसर खान है, हम इलाका गैर का रहने वाला है। कार्ड मार्ड नहीं है हमारे पास, गुम हो गया। चल मान लेते हैं तेरी बात, पर ये बता शाम को मुराद को क्यों ढूंढा था? क्या ताल्लुक है तेरा उसके साथ? ये कौन आदमी है भाई, हम नहीं जानते इस आदमी को। अबे तो फिर मुराद का हुलिया लोगों को बता बता कर क्या पूछ रहा था तू? हाँ अभी छोड़ो ना साहब, अभी हम क्या बोले तुमको, वो आदमी हमारा पैसा लेके भाग गया, इसलिए हम उसको ढूंढते हैं। अबे नाम बता, कुछ तो नाम होगा उसका। उसका नाम याद नहीं, हम बोल गया उसका नाम। नाम बताने में शर्म क्यों आ रही है तुझे? चल जल्दी का नाम बता उसका। चल देखो साहब, तुम हमको जाने दो, उसका हमारा लेन देन है, हम जाने वो जाने। सर ये कोई बड़ी फिल्म लग रहा है, नाम भी नहीं पता, ठिकाना भी नहीं पता और लेन देन करता है उसके साथ। लगता है ये इतने आराम से नहीं मानेगा, इसको मेहमान खाने में ठहराओ, करते हैं इसकी आज खातिर मदारत। ओके सर चलो। साहब तुम हमारा पहले बात तो सुनो। चले सर। चलो हमको यार बात भी सुनेगा तुम्हारा बात। चलो अंदर। देखो ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम हमारा बात सुनो पहले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक काम कर, अर्शद को बुला के ले रहा हूँ।
कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई हरियाले बनने, अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो वो भी बता दे, कर देते हैं हाथ की हाथ पूरी। नहीं नहीं सर, बताता। चल फिर बता, शुरू हो जा शुरू से। चल से पैर के बाद मैं अपने धरने पर बैठा था कि अचानक उस्ताद, ओए तू गया नहीं? अरे उस्ताद जब रास्ते में ही काम हो गया तो इतनी दूर जाने का क्या फायदा? रास्ते में ये देखो उस्ताद। पूरे 5 लाख रुपए। ये तू कहां से लाया? अरे उस्ताद आम खाओ आम। अबे मुझे नहीं बताएगा, मैं तेरा उस्ताद हूँ, मैं किसी को बताऊंगा थोड़ी। अरे लड्डूओं ने कमाल कर दिया उस्ताद, लड्डूओं ने। तुझे किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? अरे नहीं उस्ताद, इतनी आसानी से पकड़ाई देने वाला नहीं हूँ मैं। शाबाश, अब मेरी बात सुन, इसको यहीं कहीं छुपा दे थल्ले में। थल्ले पे? अबे तो क्या बैंक में रखवाएगा? थल्ले से अच्छी कोई जगह नहीं है, किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है उस्ताद, जैसा तुम बोलो। चलो उसको छुपा के रोटी खा के आते उस्ताद, बहुत भूख लगी है। इसको ठिकाने लगा पहले, चल। क्या हो गया उस्ताद? पता नहीं यार क्या होगा, देखता हूँ। पेट्रोल तो है ना इसमें? हाँ पेट्रोल तो मैंने डलवाया, तिलक में कचरा आ गया शायद। अरे हटो उस्ताद, मैं करता हूँ, हटो। आपसे कहाँ साफ होगा प्लग। और मैंने उसे बिहार में दे जाकर
बाइक खराब होने के बाद रास नहीं आई ना तुझे, सारी जिंदगी लोगों के माल पर नजर रखी पर तुझे क्या मिला? अबे अगर ये सारी करंसी मैं तुझे दे भी दूं ना तो ये करंसी तेरे किसी काम की नहीं, जानता है क्यों? क्योंकि ये करंसी जाली है। जाली? जाली। वैस लेकर आओ उसे। ओके सर। खड़ा हो जा। और यह है मुराद का शिकार अव्वल खान, पैनल सूबाई जाली करेंसी का मोस्ट वांटेड स्मगलर। दोनों को लॉकअप करो और सुबह चालान पेश करो मजिस्ट्रेट के सामने। ओके सर। ले जा।